मेरा नाम है ब्रिगेडियर विद्यासागर। मैं आर्मी में 32 साल नौकरी किया, कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे सेपर में। 2004 मार्च महीने में मैं रिटायर हो गया था। पिछले 17 साल से मैं सिकंदराबाद में सेटल हो गया हूँ। और मैं सिकंदराबाद में एक एक्सर्विसमैन एसोसिएशन है जिसका नाम ट्राई सर्विसेज एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, इन शॉर्ट टी सेवा, उसमें मैं एक मेंबर हूँ। टी सेवा का मेंबर्स और नॉन मेंबर्स भी टी सेवा को रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि साहब जो एक्सर्विसमैन का फ़ायदा के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और सर्विंग सोल्जर्स का भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो बनाइए। आज जो मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, वो है ACP और MASCP। नाउ ACP का मतलब अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। ये जो 5th CPC जनवरी 96 से लागू किया गया, रेकमेंड किया सरकार को। और MASCP कुछ भी नहीं है, ये 6th CPC वाला ने इसको ACP को थोड़ा इम्प्रूव किया है। ये जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन हुआ नहीं हुआ हम ये देखेंगे। ये MASCP सिविलियंस को भी लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज को। लेकिन मैं जो आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो सिर्फ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल का ACP MASCP, ज़्यादा ACP में कोई फर्क नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज को जो मिला है वही डिफेंस सर्विसेज पर्सन को मिलता है, और MASCP में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। नाउ ये जो ACP 5th CPC क्यों दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज का जो यूनियंस होते हैं वो पे कमीशन के सामने जाके ये बताया, साहब एक क्लास 4 एम्प्लॉय आप ले लीजिए ड्राइवर, वो ड्राइवर आज जॉइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 साल नौकरी करता है, उसको क्या मिलता है, प्रमोशन तो है ही नहीं है क्योंकि वैकेंसी नहीं है, उसको हर साल एक इंक्रीमेंट देते हैं, इसके बाद जब पे कमीशन आता है उसका पे थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन एक ड्राइवर 30 साल में कोई प्रमोशन नहीं लेता है, वो उसी रैंक में उसी लेवल में वो रिटायर हो जाता है, ये अन्याय है, कुछ उसके लिए आपको न्याय करिए। सो 5th CPC ने सोचा, इनका जो पॉइंट बिल्कुल सही है, सो हम क्या करेंगे, प्रमोशन कैसे मिलेगा, जब वैकेंसी है तो तभी मिलेगा, वैकेंसी तो गवर्नमेंट ने बनाना है, दैट मीन्स एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है एडिशनल वैकेंसी सरकार नहीं क्रिएट करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको दो पे प्रमोशन देंगे। का मतलब क्या है, आप ड्राइवर का काम करेंगे लेकिन 10 साल के बाद आपका नेक्स्ट लेवल जो भी है ड्राइवर का, उसमें हम आपको पे देंगे, लेकिन आप ड्राइवर का यही काम करोगे। सपोज आप 20 साल नौकरी करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल से थर्ड लेवल में भी आपको पे हम देंगे। फौजी के लिए बड़ा सिंपल है, जब एक सिपाही आज भर्ती होता है फौज में, फिर ट्रेनिंग करता है, 10 साल हो जाता है, वो अच्छा भी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैकेंसी तो वो पलटन में तो है ही नहीं है, फिर क्या करेगा। फिर सरकार ने बोला हम आपको नायक का पे देंगे लेकिन सिपाही का रैंक होगा, क्योंकि आप नायक को आप प्रमोट करना है तो नायक का वैकेंसी होना चाहिए यूनिट में, तो वो तो नायक जितना भी है उतना फिक्स्ड हो गया, कोई रिटायर नहीं हो रहा, सो लेकिन 10 साल के बाद आपको नायक का पे देंगे, लेकिन आप नायक का पीती नहीं पहनोगे और नायक का काम नहीं करोगे, आप सिपाही का ही काम करोगे, बहुत अच्छा, क्योंकि कम से कम उसको कुछ फायदा मिला है ना, पे मिल रही है नायक का। सपोज एक सिपाही 20 साल नौकरी करेगा, जनरली जनरल ड्यूटी सिपाही जो होते हैं वो 20 साल नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो 19 में वो रिटायर हो जाता है, लेकिन एडम ट्रेड्स हैं, कुछ कुक है, मसालची है, वेटर है, बार्बर है, वॉशरमैन है, सफाई है,
इक्विपमेंट बूट रिपेयरर है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो लोग 20 साल नौकरी करने के बाद उनको पेंशन मिलता है। हो सकता है जब वो 20 साल नौकरी करेगा तो उसको सेकंड एसीपी मिलेगा, 10 साल में फर्स्ट एसीपी, 20 साल में सेकंड एसीपी, दैट मींस वो हवलदार का पे लेगा। सपोज आप नायक में प्रमोट हो गए 5 साल के बाद, सो और 10 साल एज अ नायक रहेगा, प्रमोशन नहीं मिलता है तो 15 साल में आपको हवलदार का पे मिलेगा, जब आप रिटायर होंगे आपको पेंशन मिलेगा हवलदार का। दिस इज नोन एज एसीपी। नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया है सिर्फ 2 प्रमोशन होगा, एक 10 साल का एक 20 साल का। कुछ लोग होते हैं घर में प्रॉब्लम होता है, वो बोलता है साहब मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। आप एक दफा आप मना कर दिया, फिर दोबारा आप आके साहब मुझे एसीपी दे दो, नहीं, एक दफा आप मना कर दिया तो आपको एसीपी नहीं मिलेगा। ये एसीपी क्या है? आजकल 6th सीपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस वाला है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाला है, वो कहते हैं हमको भी स्टैग्नेशन हो रही है, प्रमोशन तो नहीं है। सो उनको क्या बोलते हैं, आप डायरेक्टर लेवल में काम करो लेकिन पे मिलेगा नेक्स्ट रैंक, दैट इज जॉइंट सेक्रेटरी का पे आपको मिलेगा। सो दिस इज नोन एज NFFU, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है, आप नायक का काम नहीं कर रहे हो, आप सिपाही का काम कर रहे हो लेकिन नायक का पे मिलेगा। सिमिलरली जब हवलदार बनोगे, एसीपी हवलदार, आप हवलदार नहीं है, आप नायक का पीती पहनोगे, नायक का काम करोगे लेकिन हवलदार का तनखा लोगे। सो इट इज नोन एज नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन ऑफ पे। नेक्स्ट, नाउ 96 में 5th पे कमीशन गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दिया, लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट में पहले क्या होता है, एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, उनको बोलते हैं भाई ये जो 5th सीपीसी का इतना बड़ा फोता आया है पढ़ो, सरकार क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, क्योंकि पैसे की बात है। सो उन लोगों ने पढ़ के मीटिंग्स होता है, चर्चा होता है, सबसे बातचीत करने के बाद फाइनली गवर्नमेंट बोलता है ठीक है हम ये रिकमेंडेशन अप्रूव करेंगे, इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ये सब करने के लिए उनको 96 से लेके 7th अगस्त 2003 टाइम लिया, दैट मीन्स कितना साल हो गया, 6 साल और 7 महीना इनको लगा ये एसीपी को लागू करने में। नाउ एसीपी लागू कब हुआ, 7th अगस्त 2003 को ही लागू हुआ। इसका मतलब क्या है, जो फौज में 7th अगस्त 2003 या इसके बाद वाला को एसीपी मिलेगा, जो पहले जो थे, दैट मीन्स 96 से लेके 2003 अगस्त के बीच में बाई चांस वो रिटायर हो गया तो उसको एसीपी नहीं मिलेगा, वो सिपाही रहेगा, चाहे वो 15 साल नौकरी करो या 20 साल नौकरी करो, वो सिपाही का ही रैंक में रिटायर हो जाएगा। वॉर ऑफ में भी उसको सिपाही का ही वॉर ऑफ मिलेगा, 7th सीपीसी में भी उसको वॉर ऑफ का ही सिपाही का तनख्वाह मिलेगा, चाहे 8th हो 9th हो 10th हो, जब तक वो मरेगा तब तक उसको सिपाही का ही पेंशन मिलेगा। सपोज वो भगवान के पास चले जाता है तब उसका पत्नी को भी मिलेगा सिर्फ सिपाही का। लेकिन जो लोग 7th अगस्त 2003 या इसके बाद जो रिटायर होते हैं उनको मिल जाएगा नायक या हवलदार का पे, और जब वॉर ऑफ में उसको मिलेगा नायक या हवलदार का पे, जब वो रिटायर हो जाता है उसका पेंशन मिलेगा नायक का या हवलदार का, जब वो भगवान को प्यारा हो जाता है उसका पत्नी को मिलेगा हस्बैंड का नायक या हवलदार का पेंशन। ये फर्क आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। सो बहुत से लोग जो 2003 अगस्त 7 के पहले जो रिटायर हुए थे उनको काफी नुकसान हो गया है। सपोज कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग 20 साल नौकरी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स वाले, उनको प्रमोशन ही नहीं मिलता है, फिर उसको ऑटोमेटिकली 2 एसीपी मिलेगा, 10 साल के बाद ACP 1, 20 साल के बाद ACP 2। सपोज बार बार है, सो 10 साल तक वो सिपाही रहेगा, सो 10 साल के बाद वो नायक का पे मिलेगा लेकिन वो सिपाही का ही काम करेगा, फिर 20 साल हो जाता है वो फिर भी सर्विस में है
तो उसका हवलदार का पे मिलेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसीपी, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, सपोज फौज में हमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एक सिपाही को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है एज अ नायक 4 साल के बाद, इसके बाद प्रमोशन ही नहीं है क्योंकि हवलदार का वैकेंसी तो है ही नहीं है। फिर क्या होगा, 10 साल वो नायक में रहेगा, दैट मीन 4 साल के बाद वो नायक हो गया, 14 साल तक नायक का ही पे लेगा, लेकिन 14 साल के बाद उसको मिलेगा पे ऑफ अ हवलदार। सो दिस इज नोन एज, एक रेगुलर प्रमोशन मिला और एक एसीपी प्रमोशन मिलेगा। मैक्सिमम आपको 2 ही प्रमोशन मिलेगा। सपोज आप हवलदार हो गया, सो फिर आपको प्रमोशन नहीं है एसीपी में, क्योंकि आपको 2 प्रमोशन ऑलरेडी मिला है। सिमिलरली नायब सूबेदार को भी एसीपी नहीं है, सूबेदार साहब को भी नहीं है, सूबेदार मेजर साहब को भी नहीं है, क्योंकि आपने प्रमोशन ऑलरेडी ले लिया 2 से ज्यादा। सो दिस एसीपी बेनिफिट्स ओनली सिपाही और नायक, नॉट इवन हवलदार एंड अबव। नेक्स्ट, हमारे आर्मी में टाइम स्केल नायक है, उनके लिए एसीपी लागू नहीं है क्योंकि वो नायक बन गया पे में। और कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं लैंस नायक और लैंस हवलदार, क्योंकि सीनियर सिपाही को सीओ साहब बोलता है यार तुमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आज से तुम लैंस नायक हो जाओ, एक पीटी वो पहनता है। और लैंस हवलदार का मतलब जो लोग नायक हैं, सीनियर नायक है, अच्छा काम करता है, सीओ उसको लैंस हवलदार बनाता है, लेकिन वो है ही नायक है। ये सब आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये वीडियो टाइम कट करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको पढ़िए, रिवाइंड करिए, पास करिए। नेक्स्ट, सो अभी आपका पास 2 नायक है, एक है प्रमोशन मिल गया उसको एज अ नायक, सो ही इज अ रेगुलर नायक, वो नायक का ड्यूटी करेगा, 2 पीटी पहनेगा। दूसरा क्या है, वो 10 साल नौकरी किया लेकिन उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, सरकार बोलता आप एसीपी नायक हो गया, दैट मींस इसको भी मिलेगा नायक का पे, लेकिन काम करेगा सिपाही का काम, पीती नहीं पहनेगा नायक का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसीपी नायक एंड नॉर्मल नायक। सिमिलरली हवलदार, एक प्रमोशन मिल गया नायक टू हवलदार, सो ही इज अ रेगुलर हवलदार, सो हवलदार का ड्यूटी करेगा, प्लटून हवलदार है, CQMH है, SHM है, ये सब हवलदार, रेगुलर हवलदार, कोट NCO है हवलदार। दूसरा क्या है, वो नायक था 10 साल के बाद भी उसको प्रमोशन मिला, इसलिए उसको बोलते हैं अब ACP हवलदार है, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली नायक, नायक का पीती पहनोगे लेकिन ड्रॉ करोगे हवलदार का पे, ये इस ACP में ये बेनिफिट है। और सबको मिल जाएगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली सबको नहीं मिलेगा, आपका डिसिप्लिनरी केसेस हैं, जैसा हम आर्मी में बोलते हैं रेड इन्फेंट्री ब्लैक इन्फेंट्री, सो कुछ लिमिट होगा, आप 2 रेड इन्फेंट्री है तो हम ACP देंगे, 3 है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। या ACR में आप जानते हो ACR ग्रेडिंग होता है 1 से लेकर 9 तक, सो बोला होगा कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से नीचे है तो मिलेगा नहीं। सो MACP में ACP में सबको ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं मिलेगा, बट मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 95-96% को MACP मिलता है, ACP मिलता है, ओनली 4% जो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होते हैं या ACR में का अच्छा नंबर नहीं लिया उन्हीं को MACP नहीं मिलता है, बट मोस्टली MACP ACP मिलता है। नेक्स्ट, ए राइटफुल ACP का मतलब क्या है, आप सरकार ने ACP को मंजूरी दिया सिर्फ 7 अगस्त 2003 या उसके बाद, ना गलती क्या किया जो जनवरी 96 से लेके 6 अगस्त 2003 के बीच में रिटायर हो जाते हैं लोग, उसको बोलते हो आप नहीं 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 आपके लिए ACP लागू नहीं है। सो आप देखिए 2 सिपाही को देख लीजिए, दोनों 15 साल नौकरी किया, एक 7 अगस्त 2003 या इसके बाद 15 साल से वो रिटायर हो जाता है, उसको आप ACP का बेनिफिट दे दिया, वो हो सकता है वो ACP नायक हो गया, नायक का पेंशन मिलेगा, वॉर ऑफ एवी भी नायक है, 7CPC में भी नायक है, और जब ये भगवान को प्यारा हो जाता है उसके पत्नी को नायक का पेंशन मिलेगा। नाउ 6 अगस्त 2003 एक
दिन के पहले 6 अगस्त 2003 के पहले वो रिटायर हो गया, फिर सॉरी आप सिपाही ही रहेगा। दैट मीन्स वॉर ऑफ में भी आपको सिपाही के पे मिलेगा, आप पेंशन मिलेगा। 7 CPC में, 8 CPC में, 9 CPC में, जो भी CPC बाद में आएगा आप सिपाही ही रहेगा, आपको सिपाही का ही पेंशन मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। सर ये अन्याय है, क्योंकि 5th CPC बोला था January 1996 दे दो भाई इनको, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है हमारा मर्जी है। सो ये प्रॉब्लम है।